हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेंड चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के कुछ प्रमुख प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक होगा यह है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यह हमारा पार्ट वन होगा दोस्तों, और हिस्ट्री स्पेशल का हमारा पार्ट 32 होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था, तो किसने किया था दोस्तों? वीडी सावरकर ने किया था अभिनव भारत का गठन। वीडी सावरकर बोले तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1889 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 से एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। कब? तो 1904 में यह एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई, जिसको हम लोग पहले मित्र मेला के नाम से जानते थे। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों, किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो अभी अभी हम लोग उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए हैं कि जो है अभिनव भारत का गठन किसने किया था, वीडी सावरकर ने किया था, और उसी का नाम सबसे पहले मित्र मेला था, ठीक है। इसकी भी स्थापना जो है संघ को, इसको किसने शुरू किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा शुरू किया गया था। विनायक दामोदर सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक एक संगठन शुरू किया। 1904 ईस्वी में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की, ठीक है। तो कब की? 1904 में। डेट याद रखेंगे, सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजिनी की जीवनी को पूरा किया और उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक भी लिखी। किसने? तो विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है। इन्होंने जो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक एक पुस्तक लिखी थी। और सावरकर को इंग्लैंड से भारत एसएस मोरिया नामक जहाज से लाया जा रहा था, जब 8 जुलाई 1910 को जहाज मार्सेलेस बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े, लेकिन सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो दोस्तों 1925 में जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? हेड गेवार के द्वारा। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित था। कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था दोस्तों? जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। इन्होंने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। जतेंद्र नाथ मुखर्जी, जिनका टाइम पीरियड था 1879 से 1915, यह बंगाल के क्रांतिकारी थे। कहाँ के? बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतिन के नाम से भी जाने जाते थे। कौन? तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी जो हैं, यह बाघा जतिन के नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो दोस्तों पी मित्रा, ठीक है। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रथम मित्रा बोले तो पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 ईस्वी में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया। कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है। अरविंद घोष भी इससे जुड़े थे और काम की सरलता के लिए इसका दूसरा कार्यालय ढाका में 1908 ईस्वी में खोला गया, ठीक है। कब खोला गया? एक साल बाद 1908 ईस्वी में खोला गया। और अनुशीलन समिति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो खून के बदले खून। यह क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों खून के बदले खून इस समिति का उद्देश्य था, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान दिया गया। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी थी।
रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी, परंतु अंग्रेज सरकार तिलक के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा सकी थी। ठीक है, जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इसका विरोध हुआ, 18 महीने की जो है इनको सजा दी गई थी, और इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? तो लोकमान्य की उपाधि दी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया, 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी के पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? तो दोस्तों पूर्वी बंगाल में, 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलीन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। दोस्तों एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा अनुशीलन समिति है इससे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, और इस समिति का उद्देश्य क्या था? तो खून के बदले खून। ठीक है, और इस समिति का जो है कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में कलकत्ता में जो है यह संगठन के रूप में खोला गया था, अनुशीलन समिति के नाम से। ठीक है, और 1908 में ढाका में जो है इसका जो है एक कार्यालय बनाया गया अनुशीलन समिति का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो चितरंजन दास ने जो है बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक अलीपुर षड्यंत्र के मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था, चितरंजन दास जी ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 34 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 15 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि उनका साथ जो है चितरंजन दास जी दे रहे थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चितरंजन दास ने किया था, और अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो दोस्तों 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से। अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सान्याल इसके अध्यक्ष थे तथा राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ये डेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को याद करके रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज उसको मिस मत करिएगा, जरूर से देखिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट तो बनता ही बनता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखेंगे कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री स्पेशल में डिस्कस करते हैं ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, और इन क्वेश्चन के डिटेल हम लोग इसलिए नोट करके रखते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि इन क्वेश्चन से ही तो क्वेश्चन बनते हैं, आगे के आने वाले क्वेश्चन इन्हीं डिटेल से बनेंगे। तो प्लीज दोस्तों गौर से पढ़ते चलिए, मिस मत करिए इस चीजों को। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।